आर न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए लॉकडाउन का 36वां दिन है, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हमारे साथ आए, एक बार बात करते हैं इनसे क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि 3 महीने 4 ही दिन बचे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन फिर स्ट्रिक हुआ है और जिले की सीमाओं को सील करने की बात की जा रही है। क्या कुछ कहना है कैप्टन साहब, क्या कहेंगे, अब 36वां दिन है, क्या लगता है लॉकडाउन घटना चाहिए नहीं? देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों को गाड़ी जलाने से भी कहा, मोमबत्ती जलाने के लिए कहा, लॉकडाउन में लोगों ने थाली भी जला दी, मोमबत्ती भी जला दी, क्या उसे रोजगार मिल जाएगा क्या? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सरकार ने जो प्रधानमंत्री केयर फंड बना रखा है उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दूसरा 68,000 करोड़ रुपया नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, 50 बड़े बड़े ऐसे कारखानेदार हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका कर्जा माफ किया सितंबर 2019 को, जबकि आर्थिक मंदी में हम चल रहे हैं, गरीब को अनाज नहीं, APL जो कार्ड वाले हैं धक्के खाते चल रहे हैं, मेरे कहते हैं सर्वे करेंगे, सर्वे में क्या है, कच्चा मकान होना चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं होनी चाहिए, TV नहीं होनी चाहिए, और रिवाड़ी के कुछ नहीं मिलेगा जी, इसका मतलब सारा फर्जीवाड़ा होगा। मेरा ये कहना है सरकार के जो भंडार हैं अनाज से भरे हुए, इनको खुला कर देना चाहिए, पर जिसको अनाज चाहिए अपना पैसे अपने दे, और जो गरीब आदमी है उसको भरी बात है, जो मध्यम वर्ग के जो हमारे व्यापारी हैं उनके सारे परेशान हो गए, कैसे अपना गुजारा करें, मजदूर दिहाड़ीदार है वो जो गांव में रह रहा है वो कैसे अपना काम चलाएगा, और कहते हैं केवल BPL वालों को राशन देंगे बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो सरकार की नीयत में खोट है, जो प्रधानमंत्री केयर फंड है उसमें 15,000 करोड़ रुपये इन्होंने कहा था कि हम जो है हेल्थ पर खर्च करेंगे, अभी पंजाब के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हें कह रहा है COVID-19 में मात्र 71 करोड़ रुपए गए, तो कहाँ जा रहा पैसा, कितना लोगों ने यहाँ पर जो है लोग जो है अपने पैसों से, अभी करीबन 60-70 लोग रसड़ा गांव में बिहार के लोग उनके फोन आ रहे हैं सब राशन मिलो, मैंने वहाँ गांव में किसी को कह के वहाँ राशन खरीद करा, कुछ मैं यहाँ से भिजवा रहा हूँ, तो लोग परेशान हैं। और मेरा ये मानना है कि भाई अब टेस्टिंग किट इनके पास नहीं है, जब तक आपके पास टेस्टिंग किट की टेस्टिंग नहीं होगी आपको पता कैसे लगेगा सैंपल टेस्टिंग ये नहीं कर रहे। चीन से जो मंगवाई थी उसमें भी घोटाला नजर आ रहा है क्या? चीन में 245 का 600 रुपये में डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है, तो ये तो मोदी जी की जो सरकार का दिल बहुत बड़ा है, यानी कि 245 की 600 में बेच रहे हैं, तो भैया इनका दिल बहुत बड़ा है, इनको समझना चाहिए कि ये गरीब की जो आ है वो आम भसम कर देती है, उनकी आप मत लें, मेरी सरकार से अभी भी चेतावनी है कि वो गरीब आदमी को राशन में सप्लाई करें, खाने की व्यवस्था करें, रोजगार मैं मानता हूँ तो नहीं मिल सकता है लेकिन उनको आर्थिक मदद, किसी ने मिर्च है, नून है, तेल है, वो लेना वो कहाँ से मिलेगा, तो बहुत संकट में देश है। एक कैप्टन साहब, रेवाड़ी के अंदर बाजार खुलवाए जा रहे हैं, सब्जी की दुकानें खुली हुई है, किराने की खुली हुई है, लेकिन जब लोग परचेज करने जाते तो दिखाई जो नाके लगे हुए वहाँ उनके चलान काटे जाते हैं, 2-2 दिन के चलान काटे जाते हैं, आप उसको कहाँ तक जाइए मानते हैं कि आखिर कैसे लोग निकलेंगे बाहर, और निकलते हैं तो उनका चलान कटता है, या दुकानदार वर्ग बहुत परेशान है कि अगर वो दवाई की सप्लाई करने जाते हैं तो उनके चलान कटते हैं, तो आप किस रूप में आप उसको देखते हैं? देखो ना ऐसा है कि जो व्यक्ति अपना बैग लेके जा रहा है, घोड़ा लेके जा रहा है घर से, तो कोई सिस्टम तो बनाना चाहिए ना, भाई किराना शॉप में जा रहा है वहाँ तो जाना चाहिए ना, अगर वो अकेला जा रहा है और सब्जी लेने जा रहा है तो परमिशन होनी चाहिए उसको, अगर जो है देखो ऐसा है बेकार में घूमना गलत है, लेकिन अगर कोई दवाई लेने जा रहा है सब्जी लेने जा रहा है तो उसके साथ होनी चाहिए, तो 3 महीने के बाद लॉकडाउन भरना चाहिए नहीं? मेरा मानना ये है कि जैसे इनको एरिया जो रेड जोन है उनको बंद कर दें, जो ग्रीन जोन है
उनको खोल कर रखें और हर बीमारी के पास एक जो है वो होना चाहिए चेक करने वाला, कैसे हैंड सैनिटाइज करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। वो तो चुनिंदा जो हैं धीरे धीरे ठीक करके, हम ये नहीं कह रहे एकदम खोल दो। अभी ऑनलाइन जो है वो उन्होंने चालू कर दी, तो जिस गरीब छोटे व्यापारी ने हमें विपत्ति के समय सामान दिया था उनको सामान लेने कौन आया? तो सरकार की नीति पर खोट है, नियत पर खोट है। तो ये चीज़ें कैप्टन साहब ने बताई कि जाहिर है अभी लॉकडाउन और रहना भी चाहिए और सिस्टम से खोले, जो रेड जोन है वहाँ अभी ना खोले, ग्रीन जोन है वहीं थोड़ी बहुत रियायत दी है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल एचआर न्यूज़ डिलीवरी।